वेलकम बैक टू शो रील। मैं हूं आपके साथ दिक्ष और एक बार फिर मैं लाई हूं बॉलीवुड जगत की कुछ बड़ी खबरें सिर्फ आपके लिए। तो बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर, जो है ऐश्वर्या राय बच्चन की। जी हां, आप तो जानते ही हैं बॉलीवुड में इन दिनों एक्ट्रेसेस एक्टिंग के साथ साथ अपना डायरेक्शन में भी हाथ आजमा रही हैं। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस कब से प्रोडक्शन फील्ड में उतर चुकी हैं और उसके बाद अब कंगना रनौत ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को डायरेक्ट किया। अब इसी पूरी लीग में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है, जो है ऐश्वर्या राय बच्चन का। प्लीज टेक अ लुक। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा, मैं एक दिन किसी फिल्म का निर्देशन करना चाहती हूँ। मैंने इस पर काम करने के लिए कभी टाइम और एनर्जी नहीं लगाई। अब मुझे इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आप प्रोडक्शन या निर्देशन की तरफ रुख क्यों नहीं करती, अपनी खुद की एक फिल्म क्यों नहीं बनाती। ऐश्वर्या ने आगे कहा, प्रोडक्शन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, मुझे कई लोगों से प्रतिक्रिया भी मिल रही है। मैं कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हूं और मैंने हमेशा एक बेहद प्रतिबद्ध एक्ट्रेस के रूप में काम किया है। मैं शुरुआत से एक टीम प्लेयर रही हूं और मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि मेरे सहयोगी निर्देशक, निर्माता और बाकी सभी साथ काम करें। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक तस्वीर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। तस्वीर को देखकर ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है। अभिषेक बच्चन और आराध्या के साथ वो गोवा छुट्टियां मनाने पहुंची थी, जिसमें दोनों बीच पर टहलते हुए नजर आए थे। सोशल मीडिया पर फैली इस खबर के बाद ऐश्वर्या राय के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया है कि यह महज अफवाह है जो कई एंटरटेनमेंट साइट पर चल रही है। गलत कैमरा एंगल की वजह से ऐश्वर्या की यह तस्वीर ली गई है, जिसके बाद यह अफवाह फैली गई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के प्यार के चर्चे इन दिनों चारों तरफ हैं। जी हाँ, इन दोनों ने अब धीरे धीरे मीडिया के सामने अपने प्यार को कबूल करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में बीते दिनों जी सिने अवार्ड्स में इन दोनों लव बर्ड्स को हाथों में हाथ डाले डांस करते हुए और एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। यहाँ रणबीर कपूर को फिल्म संजू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, वहीं आलिया को व्यूअर चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड मिला। रणबीर कपूर को अवार्ड देने के लिए आलिया भट्ट को चुना गया। आलिया ने रणबीर का नाम अनाउंस किया, रणबीर स्टेज पर पहुंचे, अवार्ड लिया और फिर आलिया को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने अवार्ड मिलने की खुशी में एक छोटा सा स्पीच भी दिया। इनमें उन्होंने संजू की पूरी टीम को धन्यवाद कहा और साथ ही अपने पिता और माँ को भी खास धन्यवाद किया। जब रणबीर अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे तो आलिया भट्ट भावुक हो गई और उनकी आंखें छलक पड़ी। रणबीर की स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में आलिया अपने आंसू पोंछते हुए भी नजर आ रही है। रणबीर बताते हैं कि आजकल उनके पिता ऋषि कपूर बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है और उन्हें ये चिंता रहती है कि वापस लौटने के बाद उन्हें काम मिलेगा या नहीं। वो जब भी मुझसे मिलते हैं तो सिर्फ फिल्मों की बात करते हैं। रणबीर ने अपनी मां नीतू कपूर को भी याद किया। बता दें कि आलिया और रणबीर अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक साथ नजर आने वाले हैं। ये पहली बार है जब दोनों सिल्वर स्क्रीन पर साथ में दिखेंगे। आलिया और रणबीर की ब्रह्मास्त्र 20 दिसंबर को रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते दो छोटी बजट की फिल्में रिलीज हुई है, जंगली और नोटबुक। पहले हम बात करें विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली की, तो इट इज फुल ऑफ एडवेंचर एंड एक्शन। जी हाँ, पूरी तरह से एडवेंचर और एक्शन से भरी हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड पर अपना अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रही। खासकर बच्चों को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है। हॉलीवुड डायरेक्टर चक रसेल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.35 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं शनिवार को वीकेंड का इसे फायदा मिला और कमाई में उछाल देखा गया। फिल्म शनिवार को 4.45 करोड़ और रविवार को 6.05 करोड़ जुटाने में कामयाब रही। इस तरह फिल्म ने कुल 13.85 करोड़ इकट्ठा कर लिए हैं। फिल्म में विद्युत जामवाल जानवरों के डॉक्टर राज का किरदार निभा रहे हैं, जिसका बचपन एलिफेंट रिजर्व में बीता है। विद्युत के अलावा आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी और मकरंद देशपांडे भी अहम भूमिका में हैं। जंगली का बजट करीब 45 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मोहनीश बहल की बेटी और नूतन की पोती प्रनूतन ने फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड में कदम रखा है। सलमान खान ने एक बार फिर से दो न्यू कमर्स को लॉन्च किया है। उनके प्रोडक्शन हाउस ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है और फिल्म में प्रनूतन बहल के साथ जहीर इकबाल की मुख्य भूमिका है। नितिन कक्कर ने फिल्म का निर्देशन किया है। 15 करोड़ के बजट से बनी नोटबुक करीब 1000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को 60 लाख और शनिवार को 80 लाख का बिजनेस किया है। माना जा रहा है कि रविवार को ये 1 करोड़ की कमाई कर सकती है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी 9 मार्च को हुई थी। इन दोनों का शादी का फंक्शन 4 दिनों तक चला था, जिसमें
बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के भी बड़े बड़े सितारों ने शिरकत की थी। आपको बता दें कि यहाँ पर देश और विदेश से कई बड़ी हस्तियां आई थी। इन सभी हस्तियों को अंबानीज ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी थी। टेलीविजन से बॉलीवुड की तरफ एंट्री करने वाली मोनी रॉय भी इस शादी के फंक्शन में शामिल हुई थी, पर उन्होंने वहां पर कर दी एक ऐसी हरकत कि अंबानी की सिक्योरिटी ने लगा दी उन्हें जमकर फटकार। आइए आपको दिखाते हैं क्या थी वो हरकत। पार्टी में मोनी रॉय को परफॉर्म करना था, लेकिन उन्होंने एंड मौके पर अपनी परफॉर्मेंस कैंसिल करने की धमकी दी। मोनी की इस हरकत के बाद तो पूरी पार्टी में बस उन्हीं के चर्चा होती रही। दरअसल पार्टी की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। अंबानी परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनके घर की शादी में कोई भी अनहोनी हो। इस वजह से वेन्यू में एंट्री करने से पहले सभी मेहमानों के फोन को सील कर दिया गया। सभी ने सिक्योरिटी का सहयोग किया, लेकिन मोनी ने अपना फोन सील करवाने से मना कर दिया। बहुत समझाने के बाद मोनी ने अपना फोन सील तो करवा लिया, लेकिन जैसे ही वो ग्रीन रूम में तैयार होने गई तो उन्होंने अपने फोन की सील को निकालने की कोशिश की। सील में सेंसर थे, जिससे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता चल गया। तो वो तुरंत मोनी के पास पहुंचे और उनका फोन फिर से सील कर दिया गया। इस दौरान मोनी और सिक्योरिटी के बीच काफी बहस हुई। मोनी ने एक बार फिर अपने फोन का स्टिकर हटा दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने मोनी से कहा कि वो दोबारा ऐसा न करे। इसके बाद मोनी ने उन्हें अपनी परफॉर्मेंस कैंसिल करने की धमकी दी। काफी बहस के बाद मोनी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हुई। मोनी ने एडवांस पेमेंट ली थी, इस वजह से उन्हें परफॉर्म करना ही पड़ा। बता दें कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड से शुरुआत करने वाली यह एक्ट्रेस जल्द ही जॉन इब्राहिम की फिल्म रॉ में नजर आने वाली है। रजनीकांत की फिल्म 2.0 में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने वाली एक्ट्रेस एमी जैक्सन इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में आ गई है। जी हाँ, ये खास वजह है कि एमी जैक्सन शादी से पहले ही माँ बनने वाली है, और ये खुशखबरी उन्होंने खुद अपने फैंस के साथ अपने इंस्टा अकाउंट पर एक फोटो शेयर करके की है। प्लीज टेक अ लुक। इस तस्वीर में एमी अपने मंगेतर जॉर्ज के साथ नजर आ रही हैं। एमी का बेबी बम्प दिखाई दे रहा है, वहीं जॉर्ज एमी के माथे पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एमी ने एक बहुत ही खास कैप्शन लिखा है। यूके में आज यानी 31 मार्च को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एमी ने ये गुड न्यूज देने के लिए आज ही का दिन चुना। उन्होंने लिखा, मैं इस गुड न्यूज को बताने का कब से इंतजार कर रही थी और आज का दिन सबसे सही है। मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हें हमारे बच्चे से मिलाने से रोक नहीं सकती। एमी के फैंस इस खबर को सुनकर हैरान हैं। बता दें कि एमी के मंगेतर जॉर्ज अरबपति बिजनेसमैन हैं। एमी आखिरी बार 2.0 में नजर आई थी। एमी बॉलीवुड से पहले साउथ की फिल्मों में काम करती थी। एमी ने साल 2012 में फिल्म एक दीवाना था से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वो फिक्री अली और सिंग इज ब्लिंग में भी नजर आई। सो फ्रेंड्स, ये थी बॉलीवुड जगत से जुड़ी कुछ रीसेंट अपडेट्स जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ सीधे बॉलीवुड से। तो अगर आप इसी तरह की खबरें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एमपी न्यूज टीवी, या फिर आप हमारा Facebook पेज भी लाइक कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना होगा www.facebook/mpnewstv.com पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।